हेलो, आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ कि अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इसके साथ कैसे डील करो। जो मैं आपको बताऊँगी वो टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गारंटी से कह रही हूँ। फॉलो करने में भी मज़ा आएगा आपको, ठीक, आप कुछ सीखोगे दुनिया के बारे में भी, अपने बारे में, और उसके अलावा बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाओगे, ठीक। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ उसका रीज़न बताती हूँ। मैं एक टीचर हूँ। आप कहोगे मैडम ये बात ना आप हर वीडियो में बताते हो, हम बोर हो गए हैं बात सुन सुन के। ठीक है, एक बार और बता दिया, मेरी आदत है बताने की, मैं दुनिया में हर किसी को बताती हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए, इसलिए मेरे मुँह से निकल जाता है। मगर बात ये नहीं है, ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं CA को पढ़ाती हूँ, मतलब CA के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से मेरे जो बच्चे हैं, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे बहुत ग्रोन अप्स हैं। बहुत सारे बच्चे, मैंने 11th 12th के भी बच्चों को पढ़ा रखा है, मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रखा है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ा रखा है, अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो मेरे पास ना ऐसी कंसर्न्स बच्चों की आती हैं जब बच्चे ओपन अप होते हैं। जो एडवाइस मैं उनको देती हूँ वही एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि मैं इस वीडियो को सीरियस नहीं रखूँगी, इसको हम फन और मज़ेदार तरीके से करेंगे क्योंकि हम इसको एक लोड नहीं बनाना चाहते अपने दिल के ऊपर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ करना क्या है। पहली बात तो ये, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और वो इंसान आपको रोज़ दिखता है, ठीक, वो रोज़ दिखता है, और या रोज़ नहीं दिखता तो कभी कभी दिखता है, आपके कॉलेज में है, आपके ऑफिस में है, तो मुलाकात होती रहती होगी, दिखता रहता होगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ ये ज़रूर करना, ज़रूर, आपको अपने आप को बहुत 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 खुश दिखाना है। चाहे आप अंदर से मर रहे हो, आपकी जान जा रही हो, दिल कर रहा हो कि दुनिया में आग लगा दो, सब कुछ जला दो, भस्म कर दो, खुद भी मर जाओ, ये भी अगर दिल कर रहा हो ना, तो भी आपको उसके सामने खुद को बहुत खुश दिखाना है। अब आप कहोगे कि मैडम इससे बेहतर एडवाइस ये नहीं होती कि आप उसे इग्नोर करो। बेटा इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, बट एट द सेम टाइम इस तरीके से करना है, इग्नोर करना है, ठीक है, वरना वैल्यू नहीं बचेगी। ऐसे वो बंदा नहीं जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, ठीक। कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है, प्लीज़ उसको जाने दो, प्लीज़ उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा और साथ में आपको दूसरे को ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी लाइफ पे उसके जाने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कहोगे मैडम ये तो बहुत ईवल है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको मदद मिलेगी इससे। पहली बात तो ये, सबसे गंदा तरीका होता है कोई आपको छोड़ के जा रहा है और आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, हैं, कोई इज्जत है कि नहीं है? इस दिन के लिए माँ बाप ने पैदा किया था कि किसी और के आगे गिड़गिड़ाते फिरो? नहीं ना, तो फिर अपनी इज्जत बचाओ, ठीक है। थोड़ा सा दूसरों के आगे हाथ पैर जोड़ना बंद करो। ये जो आदतें हैं ना लोगों की, मैंने देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है। मेरा एक स्टूडेंट है, आई रियली होप वो मेरे वीडियो को ना देखता हो, बट इतनी उसकी आदत पड़ चुकी है ना, हर वक्त उसके सामने, जो भी उसकी पार्टनर है उसके सामने, बार बार रिक्वेस्ट करने की कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसे में दूसरा इंसान आपकी कभी रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई और कैसे रिस्पेक्ट करेगा, है ना। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अगर आप बार बार गिड़गिड़ा रहे हो उस इंसान के सामने। आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड यू लव दैट पर्सन, वी अंडरस्टैंड दैट, ओके, बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। अगर दूसरा इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, ये उसकी चॉइस है, आपकी चॉइस ये है कि आप खुद को कैसे मेंटेन करते हो। आपको खुद को खुश दिखाना है, ठीक, चाहे आप अंदर से खुश नहीं भी हो, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को खुश दिखाने पे, ठीक। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं, ऐसा टेड टॉक्स में लोग बोलते हैं, मैंने सुनी है वो टेड टॉक्स, कि जब आपका ब्रेकअप होता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है आपके अंदर, ठीक है, एक गुस्सा होता है, एक रिवेंज की फीलिंग होती है, एक धोखा, जैसे धोखा सा महसूस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एनर्जी को अगर आप क्लब करके कहीं पे इन्वेस्ट करो, तो ऐसा बोलते हैं
कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उस एनर्जी के निकल सकते हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे करने की, आप सोच रहे थे कि आप जिम जाओगे, आप सोच रहे थे कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप सोच रहे थे आप कोई नया कोर्स करोगे, नाउ इज़ द टाइम, अब करो। जो अब तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिलेशनशिप के डिमांड्स होते हैं, आपको टाइम देना पड़ता है, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी आपके पास वो सारा कुछ बचा हुआ है, अलग रखा है, उसको इस्तेमाल करो, उसको वेस्ट मत करो। ये जो एनर्जी है, आपको ये नेगेटिव महसूस हो रही है, नेगेटिव है नहीं, आप ट्राई तो करो, ठीक है, आप ट्राई करो, इसको कहीं स्पेंड करो, इसको कहीं ल्यूक्रेटिव तरीके से स्पेंड करो। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल तरीके से इसको स्पेंड करो, ठीक है। और हाँ, दूसरे को आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको खुश रहना है। और हाँ, ये जो फीलिंग है ना, दैट आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, ये गुजर जाएगी, थोड़ा वक्त दो खुद को, ये गुजर जाएगी। जो दोस्त हैं, सच्चा एका दोस्त तो ज़्यादातर सबके पास होता है, चाहे वो फैमिली में हो, दोस्त हो, उनकी मदद लो, ठीक है, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो। दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ लो फेज ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टाइम टू रिकवर, दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स, गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से आपको खुद को खुश दिखाना है, उससे क्या होगा ना, कहना नहीं चाहती मगर कहना पड़ेगा क्योंकि सच है, दूसरा बंदा बहुत जलता है। जब कोई आपको छोड़ के जाता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रोगे उनकी याद में, उनके लिए तड़पोगे, अपना चेहरा ख़राब कर लोगे, अपनी नींदें उड़ा लोगे, आंखें सुजा लोगे, हैं। मगर जब आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हो, आप एक ऐसा रिएक्शन दे रहे होते हो जो अनएक्सपेक्टेड होता है, आप एक मिस्ट्री बन जाते हो दूसरे इंसान के लिए। आपको ये मिस्ट्री बनना है, क्योंकि आप जब ये मिस्ट्री बनोगे तो आप अट्रैक्टिव बनोगे, और हो सकता है वो इंसान वापस आपके पास आने की कोशिश भी करे। आने मत देना, अगर वो वर्थ इट नहीं है तो नहीं, अगर वो वर्थ इट है और वाकई में सिली चीज़ों की वजह से आपकी लड़ाई हुई थी, वो आपको समझना है। मैं नहीं जानती आपका क्या है और क्या नहीं है, वो आपको खुद देखना है। मगर अगर कोई बेइंतहा जलील तरीके से मेरे दिल को कुचल के उस पर उसको रौंद के चला गया होता, तो ऐसे केस में मैं कभी वापस नहीं जाती उस इंसान के पास। ये मेरा पर्सनल एटीट्यूड है, इसे एटीट्यूड कहो, बिहेवियर कहो। एरोगेंस और एटीट्यूड में थिन डिफरेंस होता है, ठीक है। एटीट्यूड होना अच्छी बात है, एरोगेंस होना बुरी बात है। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से एक अच्छे एटीट्यूड से एरोगेंस की तरफ स्लिप कर रहे हो, वो मत करना, ठीक है। मगर एक अच्छा एटीट्यूड रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपनी इज्जत करना, अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना, मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी है अब तक, और यही मैं आपको सिखाऊंगी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। चलो के बाय, एंड आई रियली होप कि आप जिस भी दौर से गुजर रहे हो इससे आप बाहर आ सको, ठीक है। बाय बाय, मुझे बताना अगर आपको मेरी ज़रूरत हो, ठीक है, कमेंट्स में मेरे को बताओ। बाय।